गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का दिल की गहराई से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करे। और आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 7 और 8 वचन की ओर लाना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके लिए एक अद्भुत अनुग्रह का कारण बने। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 7 और 8। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। इब्राहिम ने कहा, हाँ बेटा। तब वो प्रश्न पूछता है, क्या बात है? देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहोवा यीरे। आज आपके जीवन में अगर कुछ उपाय, कुछ बंदोबस्त, कुछ प्रोविजंस का इंतजार आप कर रहे हैं तो आज ये 8वां वचन आप विश्वास के साथ कहना प्रारंभ कीजिए। कहिए, परमेश्वर बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। बड़ा कठिन है जीवन की परीक्षाओं के सामने टिकना। आज हो सकता है आप अपने बच्चे की फीस के लिए व्याकुल हो सकता है अस्पताल का बिल चुकाने के लिए आपके पास ना हो, अगले महीने का रेंट कहां से देंगे शायद ये सोच रहे हो, खाने का इंतजाम कौन करेगा शायद आपके मन का प्रश्न एक तीर के समान आपके हृदय को छलनी करता हो। लेकिन आज विश्वास के साथ इस वचन को आप कहना प्रारंभ कीजिए, परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा ईरे बनेगा। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। एक महान आज्ञाकारिता को हम देखते हैं और इसलिए अब्राहम विश्वास करने वालों का पिता हो गया। हर परिस्थिति में विश्वास। जब परमेश्वर ने अब्राहम की एक परीक्षा की, फैमिली टेस्ट, अपना घर छोड़ दे, अपने पिता का घर, मित्र, सब कुछ छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अब्राहम ने बड़ी सफलता से उस टेस्ट को पास किया। सब कुछ छोड़कर वो चला गया। उसके बाद एक अकाल का टेस्ट हुआ, उसमें भी अब्राहम विजेता हुआ। उसके बाद लूत जो उसका भतीजा है उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मनमुटाव। वहां भी 13 अध्याय को 7 से 11 तक में जब आप पढ़ेंगे, अब्राहम ने परमेश्वर पर ही विश्वास किया। उसने कहा, लूत तुम अगर बाएं जाओगे तो मैं दाएं जाऊंगा, तुम अगर दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। क्योंकि अब्राहम का भरोसा हरी चराइयों पर नहीं था, अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। और जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उसे आप सूखी भूमि में भी रख दो, परमेश्वर उसे हरा भरा करना प्रारंभ करेगा। हो सकता है आज आपको जो आपके हिस्से में मिला है वो सूखा हो, आपको जो मिला है वो किसी काम का नहीं हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है वो उस स्थान को भी, उस जगह को भी, उस वस्तु को भी आशीष का कारण बना देगा। और अब एक बड़ा टेस्ट है अपने बेटे को बलिदान करना, लेकिन यहां भी अब्राहम परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। और जब वो जा रहे थे तब इसहाक का ये प्रश्न शायद एक तीर के समान उसके हृदय में घुस गया होगा,
आग है, लकड़ी है, भेड़ कहाँ है? आज कुछ प्रश्न आपके हृदय को छलनी कर रहे होंगे, कुछ परिस्थितियां आपके हृदय के अंदर पीड़ा वेदना दे रही होगी, लेकिन क्या आप विश्वास के साथ अब्राहम के समान ये कह सकते हैं, परमेश्वर उपाय करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। मैं जब बहुत छोटा था, मुझे केले बहुत पसंद थे, और मेरी माँ कई बार मुझे ये सिखाती थी कि मैं कैसे परमेश्वर पर विश्वास करूं। जब मैं केला मांगता तो वो कहती, आंख बंद कर यीशु पापा से प्रार्थना करो। छोटा सा बच्चा, मैं आंख बंद कर प्रार्थना करता, कहता, यीशु पापा मुझे केला दे दो। और जब मेरी आंख बंद होती तो वो एक केला लाकर मेरे सामने रख देते, और मैं जब आंख खुलता तो मैं इतना खुश होता, क्योंकि मुझे यही मालूम था कि ये केला यीशु पापा ने दिया है। प्रियो, हमारे जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु, हमारी हर जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर, आपके लिए भी वो उपाय करेगा, आपके लिए वो बंदोबस्त करेगा। बस आप विश्वास कीजिए उस प्रभु के वायदों पर, विश्वास कीजिए उसके कार्यों पर। कई बार वो उपाय नहीं करता जब आप सोचते हैं। आप अब्राहम को देखिए, आज्ञा के अनुसार 3 दिन की यात्रा की, उस पर्वत के ऊपर चला गया, सबको दूर कर दिया उसने। और इसहाक की आज्ञाकारिता देखिए, वो उस वेदी के ऊपर लेट गया, और जब उसे मारने के लिए इब्राहिम ने छुरी ली, स्वर्गदूत क्या कहता है, एक स्वर्गदूत वहां पर कहता है, इब्राहिम इब्राहिम, बच्चे पर हाथ नहीं रख। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगेगा कि प्रभु क्या देख नहीं रहा, प्रभु को क्या मालूम नहीं है, लेकिन वो आज्ञाकारिता की अंतिम परीक्षा भी लेना चाहता है। और एक अद्भुत कार्य वहां पर हुआ, जब अब्राहम ने आंख उठाकर देखा तो देखा उसके पीछे एक मेड़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ था। आज जब इस संदेश को सुनने के बाद, जब आप आंख उठाकर देखें, आंख खोल कर देखें, ओ प्रेज गॉड, कुछ परमेश्वरीय प्रबंध आपके जीवन में दिखना प्रारंभ हो, कुछ प्रोविजंस आपको मिलना प्रारंभ हो। मेरी प्रार्थना है, जो मनुष्यों से नहीं वो परमेश्वर आपके लिए संभव करे। यहोवा इरे, यहोवा इरे, यहोवा इरे। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, कितने लोग हैं जो एक प्रोविजन की आशा करते हैं प्रभु, उनके रोजमर्रा की जरूरतों में, उनकी रोज की आवश्यकताओं में, जीवन की कठिनतम चुनौतियों में, शायद सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया है, अब कुछ भी उनके पास बाकी नहीं बचा, लेकिन आप उस मोरिया पर्वत के ऊपर जैसे परमेश्वर ईरे बनकर अब्राहम के सामने प्रकट हुए, ऐसे ही प्रभु इन सुनने वाले प्रियजनों के लिए यहोवा ईरे बनकर प्रकट हो प्रभु। मेरी प्रार्थना है, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रभु जी, और वो भी अब्राहम के समान ये कह सके, यहोवा मेरा ईरे है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, मनुष्य की सहायता एक सीमा तक हो सकती है। आज जो आपकी सहायता कर रहे हैं, कल शायद आपसे मुख फेर ले। आज जिनको आप हंसता हुआ देखते हैं, कल शायद उनका मुंह आपको कड़वा दिखाई दे, लेकिन यहोवा इरे जो कभी बदलता नहीं, कल आज और युगान युग, वो वही परमेश्वर है, वो आपके लिए अद्भुत अद्भुत काम करने वाला बने। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, आज आपका अनुग्रह का हाथ आप प्रकट कीजिए, यीशु के नाम में कुछ
चमत्कार हो जाए प्रभु, जैसे आपने हागार की आंखें खोलकर एक जल का सोता दिखाया, जैसे अब्राहम को आपने वो मेढ़ा दिखाया, ऐसे ही मेरे प्रियजनों को आज एक प्रोविजन दिखा प्रभु, और आज हम गवाही सुन सके कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। कल बहुत से प्रियजनों ने फोन किया, मैसेज दिया कि ये वचन हमारे लिए था। प्रभु आज का ये संदेश भी बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, मेरे लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं आपके प्रियों को, आपके बच्चों को आपके नाम से ब्लस करता हूं, उनकी हर जरूरतों में ईरे बनकर उनके साथ रहे, यीशु के नाम से आमेन आमेन। आज आप इन वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु ने ये जो संदेश दिया है ये खास आपके लिए है। आपका भरोसा, आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को आप जरूर बांटिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके और ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। यहोवा यीरे, वो आपका भी परमेश्वर है। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।